संधि चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि संधि का पहला भेद हम लोग स्वर संधि में थे, और स्वर संधि का पांच भेद है, उसमें से हम लोगों ने पहले भेद दीर्घ संधि को कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी स्वर संधि का दूसरा भेद गुण संधि। यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम लोग कि अ और आ के साथ यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई आता है तो ए में बदल जाएगा, यानी मिलने के बाद वर्ण जो है ए में बदल जाएगा। अ और आ के साथ जब ह्रस्व उ और दीर्घ उ को मिलाया जाएगा तो परिवर्तन ओ में हो जाएगा, और जब अ और आ के साथ री को हम मिलाएंगे तो परिवर्तन हमारा अर में हो जाएगा। तो गुण संधि में तीन प्रकार के परिवर्तन हम देख रहे हैं, ए ओ और अर, और इस तीनों में अ और आ आगे की तरफ अ रहेगा या फिर आ रहेगा, और पीछे ई या ई होगा तब ये ए में होगा, अगर उ और दीर्घ होता है तब ओ में हो जाता है, और री होने पर अर में बदलेगा। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रख लेंगे तो हम लोगों को आगे ये वर्ड्स याद करने में आसानी होगी। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर अ और ह्रस्व ई है, ए में बदल रहा है, उदाहरण हम लोग देख रहे हैं, देव और इंद्र देवेंद्र, नर और इंद्र नरेंद्र। अ और दीर्घी है, ए में बदल रहा है ये भी, देव प्लस ईश देवेश, नर और ईश नरेश। आ और ई, ए में बदल रहा है, महा और इंद्र महेंद्र, राजा और इंद्र राजेंद्र। आ और दीर्घी, ए में बदल रहा है, रमा और ईश रमेश, उमा और ईश उमेश। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं सेकंड वाले में आएंगे, यहाँ अ और उ ओ में बदल रहा है, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। तो यहाँ वर्ड देख लेंगे, सूर्य उदय सूर्योदय, पर उपकार परोपकार। अ और दीर्घ उ में मिलने पर फिर ओ में बदल रहा है, सागर और उर्मी सागरोर्मी, सूर्य ऊर्जा सूर्योर्जा। आ और ऊ ओ में बदल रहा है, महा उत्सव महोत्सव। आ और दीर्घ मिलने पर ओ में बदलेगा, यमुना और उर्मी यमुनोर्मी। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं जहां पर री का मेल हो रहा है अ और आ के संग, तो अ के संग री मिलने पर अर में बदल रहा है, देव ऋषि देवर्षि, सप्त ऋषि सप्तर्षि। आ और री में मिलने पर अर में बदल रहा है, महा ऋषि महर्षि, राजा ऋषि राजर्षि। तो ये हमारा गुण संधि कंप्लीट हुआ। इसमें हम लोगों ने देखा अ और आ के साथ ई उ और री मिलने पर ए ओ और अर में बदल जाएंगे। अब हम लोग आएंगे वृद्धि संधि में, यहाँ वृद्धि यानी यहाँ भी जब भी बदलाव होगा हमेशा परिवर्तित रूप बड़ी वाली मात्रा के रूप में होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अ या आ के बाद ए या ए आता है तो दोनों के मेल से ए हो जाएगा, और जब ओ या अ होगा यानी अ और आ के संग ओ या अ होगा तो मेल अ में बदल जाएगा, यानी हमेशा ये बड़े वाले मात्रा में, यानी जहाँ ये पीछे जो बड़ा वाला मात्रा दिख रहा है ए
और ए में ए बड़ी मात्रा है, उसी तरह ओ और ओ में ओ बड़ी मात्रा है, तो ये हमेशा बड़ी वाली मात्रा में बदल जाएगा। तो अ के संग अ और या आ के संग अगर ए या ए होगा तो ए में बदलेगा, अ और आ के संग ओ या ओ आएगा तो ओ में बदलाव होगा। तो इन चीज़ों को याद कर लेने से आसानी होगी। अब हम लोग शब्द देख लेंगे। फर्स्ट वाला है अ और ए, ए में बदल रहा है, एक और एक है एक एक, लोक और एशना है लोकेशना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं अ और ए है तो अ और ए, ए में बदल रहा है मत ऐक्य मतैक्य, धन ऐश्वर्य धनैश्वर्य। आ और ए, ए में बदल रहा है सदा एव सदैव, तथा एव तथैव। आ और ए में मिलने पर ए में बदलाव होगा महा ऐश्वर्य महेश्वर्य, रमा ऐश्वर्य रमेश्वर्य। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में देख लेते हैं थर्ड वाला, सॉरी सेकंड वाला। अ और ओ, ओ में बदलेगा वन औषधि वन औषधि, परम ओज परमौज। आ और ओ मिलने पर भी ये ओ में ही बदलेगा महा औषधि महौषधि, महा औदार्य महोदार्य। तो ये हमारा गुण संधि सॉरी वृद्धि संधि कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग इन दो चीज़ों को याद रखेंगे।